तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको स्प्लेंडर चला के दिखाने वाला हूँ। मेरे पास इसको 2 महीने हो गए हैं, तो अभी तक तो बढ़िया चल रही है, और आगे कैसे चलेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इसे चला के, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये चलने में कैसी है। तो उन सभी को इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये चलने में कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बैठ गया हूँ बाइक में, तो बाइक को करते हैं ऑन, और ये सेल्फ किया मैंने। तो चलिए चला के देखते हैं इसको। ये डाला मैंने पहला गियर, और चलिए चलते हैं। ये दूसरा डाल दिया गियर, ये डाला तीसरा गियर। मैं इसमें आपको टॉप स्पीड नहीं दिखा रहा हूँ, बस इसको चलाने में दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसको लॉन्ग राइड पे चलाते हैं तो कैसी रहती है। ये मैंने इसमें चौथा गियर डाल दिया, इसमें 4 ही गियर आते हैं, ज़्यादा गियर इसमें आते नहीं। तो बस अभी यहाँ से देखते हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज मैंने सोचा कि आपको इसका रिव्यू दे ही देता हूँ, तो फिर देखते हैं कि कैसे कैसे होता है आगे। अभी तक धूप थी तो एकदम छाया भी आ गई है, तो काफ़ी अच्छा सारा हिसाब किताब। और चलने में मैं दिखाऊँ तो अभी मैं 44 की स्पीड पर चल रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड में मैं चल नहीं रहा हूँ, और हाईवे का क्रूजिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर आप इस समय एवरेज देखेंगे मीटर पर, तो 112 का दिखा रहा है। तो आप ऐसे क्रूजिंग करते हैं तो ये बाइक आपको बहुत ही अच्छा एवरेज देती है। अभी मैंने इसमें ज़्यादा तेल भराया भी नहीं है, अभी ई पे है। और अब देखो इस समय 110 का दे रहा है। इस समय अभी आपको आगे चला के दिखाऊँ कि कितना इसमें चेंजेस आता है। अभी 108 हो गया, क्योंकि मैं 50 से ऊपर चले गया तो इसमें लोड पड़ता है। और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। जो मेरी अपाचे है उसका भी मैं जल्दी से टेस्ट ड्राइव आपको देने वाला हूँ, के लिए कई कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं सीधा सीधा, और फिर देखते हैं कि कैसे कैसा होगा। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा तेज़ चला के दिखाता हूँ इसको आपको। तो थोड़ा वॉइस का ऊपर नीचे होगा, तो उसका आप ध्यान देना थोड़ा। और तो इसको मैं आपको थोड़ा भगा के दिखाता हूँ, और फिर देखते हैं कि इसका जो माइलेज है वो कितना ड्रॉप होता है। तो चलिए मैं भगाता हूँ। माइलेज बताऊं तो इस समय 53 का माइलेज दिखा रही है, और 55 का दिखा रही है। मैं थोड़ा डाउन कर देता हूं इसको, क्योंकि आप इसको जितना तेज़ चलाएंगे ये उतना माइलेज ड्रॉप करेगा। अब देखो मैंने ये इसको मैं 70 तक ले गया था, तो ये 55 का एवरेज दिखा रही थी आपको। अभी मैं इसको 48 पे क्रूज़ करता हूँ, 50 तक क्रूज़ करता हूँ, तो इसका माइलेज देखो धीरे धीरे बढ़ने लगे। देखो इस समय फिर से 101 पे आ गया, 100 से ऊपर दिखाता है। तो इतना तो देगी नहीं 100 से ऊपर, लेकिन 70-80 के आसपास ही ईजिली दे देगी। ओवरऑल आपकी ड्राइविंग कैसी है वो सब कुछ देख के। तो अभी बस सीधे चल ही रहा हूँ, चौथे गियर पे ही है और ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आगे एक ब्रेकर पड़ेंगे, तो इसकी ब्रेकिंग भी दिखाऊंगा आपको कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है। ये यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको सडनली कोई ब्रेक मारना नहीं है, और उसके ऊपर ज़्यादा तेज चलाने की। तो अभी आगे ब्रेकर पड़ेंगे, उसमें भी दिखाऊंगा कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है आपको। अगर आप ये बाइक लेते हैं तो लॉन्ग राइड पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ले जाने वाले इनको केदारनाथ तक लेके जाते हैं। ये देखो ये ब्रेकर आया, मैंने इजीली किया, बहुत आराम से निकल गई है। फिर तो यहाँ पर 3 ब्रेकर आए, इनको भी पार करता हूँ। देखो सेकेंड गियर पर ही उठाई मैंने, ये लगाया तीसरा गियर, लगाया चौथा गियर, और सीधा चलती है। बाइक काफ़ी अच्छी है। जो भी भाई मेरे कमेंट कर रहे थे वो इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि नई वाली स्प्लेंडर कैसी है। हाँ पहले वाली से हल्की हल्की है, लेकिन एवरेज काफ़ी अच्छा देती है। अगर आप एक दो बंदे इसको चला रहे हैं, ज़्यादा बंदे आप इसमें बैठाएंगे नहीं, एक या दो ही बंदे रहेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है इस बाइक को चला के। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। बस मैं यहाँ से अभी ये
बाइक घुमा रहा हूँ और घर के लिए जा रहा हूँ। तो आपको जल्दी मैं दूसरी वीडियो जो मेरी अपाची की है उसको भी चला के दिखा दूँगा। पीछे से कोई गाड़ी आनी थी तो मैंने देखो मैंने सेकंड पे ही घुमा दी। ये लग गया तीसरा गियर, ये लग गया चौथा गियर। अब देखो कंट्रोल पूरा है तो थोड़ा ऐसे लहरा के भी चला आपको सारा चला के दिखाऊँगा। आपने अभी देखा मैंने आपको स्प्लेंडर पूरी चला के दिखाई कि आप इसको हाई स्पीड में चलाएंगे तो आपका जो माइलेज है वो थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा और लो स्पीड में चलाएंगे तो थोड़ा आपका जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छी रहेगी बाइक और चलने में भी काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग रूट पे भी अगर आप इसको लेके जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बाइक है और ऐसी कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। तो आज मैंने आपको स्प्लेंडर का दिखा दिया, कल मैं आपको अपने अपाची के दिखाऊंगा। अगर आपने अपाची का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा उसमें आपको मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। और इस स्प्लेंडर का भी मैंने आपको पूरा रिव्यू दिया है, अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।